रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। मिर्जा गालिब का ये शेर आंखों के आंसू और रगों में बहते लहू की दास्तां जाहिर करता है। खून जब बहता है, खून जब जमता है और खून जब जाया होता है, तो संवेदनशील व्यक्ति का ईमान जाग जाता है। इस ईमान के साथ उसे मकसद मिलता है। रवि व्यास ऐसे ही एक शख्स का नाम है। बीकानेर की इंदिरा गांधी नहर परियोजना कॉलोनी के विद्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। इनकी जिंदगी एक हेलो ने बदल कर रख दी। बात 2018 की है। ये नवंबर और अक्टूबर नवंबर के मध्य की बात थी, दिसंबर 2018 में। लेकिन उस वक्त हम अरेंज नहीं कर पाए और बहुत समस्या का हुआ था। तब हम लोगों ने एक बैठ करके विचार किया कि भी एक ब्लड की समिति बनी जाए, ताकि किसी भी नागरिक को बीकानेर में लगभग तो ब्लड के कारण से कोई मौत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। इसी उद्देश्य से लेकर के हमने एक दिसंबर 2018 को बीकाना ब्लड सेवा समिति की स्थापना की। रक्तदान महादान के मर्म को अगर समझ ले तो जिंदगी बेमकसद नहीं रह जाती। सो अपने दोस्तों को भी इस अभियान में शामिल कर लिया। ब्लड डोनेशन के अभियान को नाम दिया बीकाना ब्लड सेवा समिति। मुहिम जो 5 लोगों से शुरू हुई थी, आज 14,000 के पार पहुंच गई है। और वो पूरी टीम दिन और रात ये काम करती है। अभी हाल ही में आप उदाहरण लीजिए कि पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा PBM में और कोठारी हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में हमारे इंद्र कुमार जी चांडक जी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, विक्रम जी उच्चपल्यानी जी हमारे, वो रात को भी सारी रात बैठ करके हम SDP और वो कर रहे हैं। इसी में सारे जो हमारे साथी हैं वो लगे रहते हैं और इसमें क्रम में लगे रहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर साल लाखों लोगों की जान समय पर रक्त मिलने से बच जाती है, तो वहीं कई लोगों की जान समय पर खून न मिलने से चली भी जाती है। बीकानेर में भी तकरीबन 15,000 से 20,000 यूनिट ब्लड डोनेशन होता है और जरूरत 40,000 ब्लड यूनिट की रहती है। ब्लड की इसी अहमियत को बीकाना ब्लड सेवा समिति समझती है। अब जिले के अलावा जरूरतमंदों को दूर दराज के शहरों और इलाकों में भी रक्त पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और कुछ प्रयासों में सफल भी हुए हैं। ये ऐसा है कि संस्था लगातार काम कर रही है 2018 से, और बीकाना ब्लड सेवा समिति नाम से तो हम यूं लगते हैं जैसे हम केवल बीकानेर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम राष्ट्रीय स्तर पर है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे ब्लड की डिमांड हो और उसको महादेव कृपा से हम पूरा नहीं कर सके। हर जगह हमारा नेटवर्क है, हर जगह लाइजिन है, जिसके द्वारा हम किसी न किसी साथी को ब्लड बैंक भेज देते हैं ताकि एक्सचेंज के अंदर ब्लड की उपलब्धता हो जाती है। बीकानेर के अंदर भी हमारी अभी जो कोरोना काम के अंदर जो प्लाज्मा का जो दौड़ चला था, उसमें भी बीकाना ब्लड सेवा समिति ने बहुत जोर शोर से काम किया था। उसके बाद में ये स्कीम गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। और अभी प्लेटलेट टाइम के अंदर भी ऐसा है कि अभी SDP लगातार चल रही है। पूरी रात हम कोठारी मेडिकल और PBM हॉस्पिटल के अंदर हमारे बंदे रहते हैं। जिस जरूरतमंद को जरूरत होती है, जिसके फैमिली से कोई डोनर नहीं हो, उसके लिए बीकाना ब्लड सेवा समिति 24/7 हमेशा तैयार है। अपने पास कम से कम 14,000 से 15,000 डोनर हैं, तो कहीं भी ब्लड की डिमांड आती है तो अपने पास किसी न किसी माध्यम से उनका पेशेंट फैमिली का कॉल आ जाता है और वो हम कोशिश करते हैं जितनी जल्द से जल्द पूरी हो सके करते हैं। समय बदल चुका है, पहले कोरोना तो अब डेंगू कहर बरपा रहा है। कोरोना काल में प्लाज्मा और अब डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच SDP डोनेशन को लेकर बीकाना ब्लड सेवा समिति के लोग काम कर रहे हैं। नियत नेक और साफ है, सो यकीन है कि आंखों और लहू से जुड़े दिल के रिश्ते को मायूसी नहीं होगी। बीकानेर से ETV भारत के लिए अरविंद व्यास की रिपोर्ट।